सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो अभी के टाइम पे गाइस बीआर रैंक के अंदर रैंक पुश करना इतना ज्यादा हार्ड हो गया ना, मतलब क्या ही बताओ, एकदम नेक्स्ट लेवल का लॉबी आ रहा है गाइस और रैंक पुश करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो गाइस आज मैं आप लोग को टॉप 3 ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसका यूज करके अगर आप लोग खेलोगे तो बिल्कुल गाइस मेरी तरह आप लोग आसानी से रैंक पुश कर पाओगे और रैंक पुश करने में थोड़ा इजी हो जाएगा और इजी पीजी मेरी तरह ग्रैंड मास्टर भी लगा लोगे, ठीक है। मतलब टॉप 3 कैरेक्टर स्किल बताने वाला हूं गाइस, जिसमें पहले के अंदर आप लोग 350 से ज्यादा एचपी लेके खेलो गाइस और दूसरे स्किल के अंदर गाइस आप लोग पूरा जोन के कितने भी अंदर रहो एकदम पूरा जोन ग्लिच कर लोगे और थर्ड स्लॉट के अंदर बंदा कहीं भी छिपे गाइस आप लोग इजी पीजी बंदे को मार सकते हो, मतलब विदाउट कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो यार बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यार देखो, अपन लोगों ने ना एक सेकंड चैनल भी खोल के रखा है जहां से मैं आप लोग को गेम प्ले करके गाइस सारी चीजें समझाता हूं, ठीक है। तो गाइस मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के बायो में आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वहां से वीडियो देखो गाइस, वहां से आप लोग इजी पीजी मेरे गेम प्ले के तरीके से आप लोग सारी चीजें समझ जाओगे। तो चलो यार बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग फर्स्ट स्लॉट की। और तो फर्स्ट स्लॉट में गाइस सबसे पहले आप लोग को एक कैरेक्टर यूज करना है जिसका नाम है लिक्विटा। तो जब आप लोग गाइस लिक्विटा यूज करके खेलोगे तो आप लोग को गाइस 50 एक्स्ट्रा एचपी का स्लॉट मिलेगा जब आप लोग दो बंदे को मार दोगे। तो जैसे ही दो बंदे को मारोगे 50 एक्स्ट्रा एचपी मिलेगा। तो फर्स्ट पे तो हो गया लिक्विटा गाइस, और सेकंड में आप लोग को यूज करना है गाइस एक कैरेक्टर जिसका नाम है जैन कैरेक्टर। तो जब भी आप लोग इसका यूज करोगे गाइस तो आप लोग को 60 एक्स्ट्रा एचपी मिल जाएगा गाइस, वो भी 15 सेकंड के लिए। तो जब आप लोग फाइट लोगे गाइस देख सकते हो आप लोग को 340 एचपी मिलेगा गाइस, ठीक है। ये तो 340 एचपी हो गया। उसके बाद गाइस आप लोग को एक और कैरेक्टर यूज करना है जिसका नाम है एंटोनियो। तो जब आप लोग गाइस एंटोनियो का यूज करके खेलोगे तो गाइस आप लोग को 50 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट मिलेगा, मतलब कितना हो गया गाइस 390 गाइस 390 एचपी हो गया। तो इतना एचपी तो हो गया गाइस। उसके बाद गाइस आप लोग को एक और कैरेक्टर स्किल यूज करना है मीसा। तो जब भी आप लोग मीसा यूज करके खेलोगे तो जब आप लोग गाड़ी चलाओगे तो गाइस गाड़ी में आप लोग को कोई भी मार नहीं पाएगा, और इस टाइम पे गाइस मीसा कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गेम के अंदर इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि देखो अगर आप लोग गाड़ी वाला कैरेक्टर लेके खेलोगे तो सबसे पहले आप लोग कहीं भी स्क्वाड के बीच में भी फंसे हो तो गाड़ी लेके निकल सकते हो गाइस, ठीक है। और उसके बाद टोकन ढूंढने में भी थोड़ा आसानी होता है, कोई बंदा मार नहीं पाता है गाड़ी पे। और उसके बाद गाइस आप लोग जब कभी मतलब भाग सकते हो दूर में या फिर जोन सर्वाइव भी कर सकते हो गाइस, मीसा कैरेक्टर अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल है गाइस, ठीक है। और मॉन्स्टर ट्रक पे चढ़ के मतलब गाइस मॉन्स्टर ट्रक जब भी चलाओ तो भाई अलग ही लेवल का, अभी मॉन्स्टर ट्रक का जमाना आ गया गाइस, सभी लोग मीसा लगा के और मॉन्स्टर ट्रक लगा के खेल रहे हैं। तो ये तो नंबर मतलब गाइस बेस्ट कैरेक्टर स्किल है, ठीक है। और इसके बाद गाइस आप लोग को इसमें एक और पेट का यूज करना है जिसका नाम है फ्लैश। तो जब भी आप लोग फ्लैश पेट का यूज करोगे तो आप लोग को कोई पीछे से बंदा मारेगा तो गाइस आप लोग को 150 उसमें शील्ड पॉइंट मिलेगा, जिससे आप लोग को गाइस मतलब टोटल समझ सकते हो मतलब 500 एचपी हो जाएगा गाइस, ठीक है। अगर कोई पीछे से मारता है तो मतलब 70% डैमेज रिडक्ट होगा, मतलब 70% डैमेज आप लोग को लगेगा ही नहीं गाइस 150 एचपी तक, 70% डैमेज वो घटा देगा। मतलब मान लो आपको पीछे से कोई बंदा AWM से मारता है ना, तो AWM का मात्र 30-40 का डैमेज आएगा और 100-120 एचपी गाइस मतलब जो है अपना आपका जो है ना वो शील्ड पॉइंट गाइस कटेगा, ठीक है। तो जिससे आप लोग का 30-40 एचपी ही कटने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है गाइस, जब आप लोग को ज्यादा एचपी चाहिए या फिर जो बंदे रश करके खेलते हैं गाइस मतलब एचपी घट जाता है मेडी नहीं लगा पाते हैं, तो वो सारे बंदे गाइस ये वाला स्लॉट लगा के खेलो, मतलब लल्लन टॉप मस्त स्किल है गाइस, ठीक है। आराम से आप लोग इस वाले स्किल से 1v4 क्लच करके इजी पीजी मार सकते हो, ठीक है। तो चलो यार गाइस अब मैं आप लोग को सेकंड स्लॉट की ओर बताने वाला हूं, और सेकंड स्लॉट में गाइस आप लोग पूरे जोन के अंदर सर्वाइव करके रह के जोन के पूरे भीतर रह के खेल सकते हो, ठीक है। तो सेकंड मतलब स्लॉट में गाइस सबसे पहले आप लोग को ये वाला स्लॉट गाइस किस काम में आएगा मैं आप लोग को बता देता हूं। आप लोग इस स्लॉट से गाइस टोकन कलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ जोन सर्वाइव कर सकते हो गाइस, कितने भी ज्यादा जोन के अंदर रहो आपका एचपी नहीं कटेगा। देन गाइस आप लोग को इसमें एक और क्या फायदा होने वाला है आप लोग को पता है गाइस? देखो मैं आप लोग को बताता हूं, बहुत सारे टोकन तो कलेक्ट करोगे साथ ही साथ अपने टीममेट को रिवाइव करोगे तो रिवाइवल का भी पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारा बेनिफिट कुल मिला के होने वाला है गाइस ये सारे कैरेक्टर स्किल लगा के खेलो। तो चलो यार सबसे पहले इसमें आप लोग को एक कैरेक्टर यूज करना है जिसका नाम क्या है पता है? जिसका नाम है गाइस के कैरेक्टर। तो सबसे पहले आप लोग को के कैरेक्टर इसमें यूज करना है। के से गाइस आप लोग को ईपी एचपी मिलेगा, और जोन सर्वाइव में के कैरेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गाइस आप लोग को एक और कैरेक्टर यूज करना है जिसका नाम है मीसा। मीसा तो भाई आप लोग को यूज करना ही करना है, मतलब देखो यार जोन सर्वाइव करोगे गाड़ी लेके खेलोगे तो गाड़ी वाला कैरेक्टर गाइस मीसा आप लोग को यूज करना ही है। इसका बेनिफिट क्या है गाइस मैंने आप लोग को मतलब स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया जब मैं पहले स्लॉट के बारे में बात कर रहा था।
तो उसके बाद गाइस आप लोग को एक और करेक्टर स्किल में आप लोगों को इसमें यूज करना है, और इसका नाम क्या है गाइस पता है, लिक्विटा। तो जब अगले गाइस मतलब अगेन गाइस जब आप लोग लिक्विटा यूज करके खेलोगे और दो बंदे मार दोगे, और ऐसा बात नहीं है कि जोन वाला सर्वाइव का स्किल लेके खेलोगे तो आप लोग का किल नहीं होगा गाइस, आप लोग का किल भी होगा और आप लोग अपने टीममेट को रिवाइवल करोगे, तो रिवाइवल का भी आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद गाइस आप लोग के पास बहुत सारे टोकन तो रहेंगे ही रहेंगे, ये सब चीजें तो नॉर्मल है, लेकिन गाइस आप लोग देखो जब भी दो बंदे को मार दोगे तो आप लोग को गाइस 50 एक्स्ट्रा एचपी मिलेगा और 30 एचपी गाइस आप लोग को वेस्ट एचपी बूस्टर या वेस्ट थिकनर से मिलेगा, जिससे गाइस आप लोग का टोटल कितना एचपी हो जाएगा 280। और 280 एचपी लेके जब आप लोग खेलोगे तो आप लोग का गेम एकदम ओपी लेवल का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गाइस आप लोग को एक और कैरेक्टर का यूज करना है जिसका नाम गाइस आप लोग को मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो उस वाले स्किल में गाइस आप लोग को नटोरा लगा के खेलना है। तो जब आप लोग नटोरा लेके खेलोगे गाइस और जब आप लोग गाड़ी पे चलाओगे मतलब जब गाइस व्हीकल्स आप लोग ड्राइव करोगे तो हर 2 सेकंड में आप लोग को 5-5 एचपी मिलेगा, जिससे आप लोग जोन के अंदर भी आप लोग को इजी पीजी बहुत सारा एचपी मिलेगा गाइस, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप लोग को एक और कैरेक्टर स्किल यूज करना है इसमें, जिसका नाम कैरेक्टर नहीं यार इसमें पेट यूज करना है गाइस, जिसका नाम है ओटेरो। तो जब भी आप लोग ओटेरो पेट लेके खेलोगे गाइस तो जब आप लोग मेडिकेट करोगे, देखो जैसे मैंने मेडिकेट किया, देखना अभी मेरा अपने यहाँ पीपी देखो कितना तेजी से बढ़ रहा है, तो मतलब 70% ईपी आप लोग को मिलेगा, जिससे आप लोग का ईपी भी बढ़ते जाएगा गाइस और उससे आप लोग का बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो चलो गाइस अब बात करते हैं अपन लोग थर्ड स्लॉट की ओर, और थर्ड स्लॉट तो मेरा फेवरेट और लल्लन टॉप स्लॉट है गाइस, ठीक है। इस स्लॉट से आप लोग बहुत सारे किल तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ बंदे को वॉल के अंदर भी मार सकते हो, ठीक है। तो इस स्लॉट में गाइस सबसे पहले आप लोग को यूज करना है गाइस एक्टिव कैरेक्टर स्किल में इरिस कैरेक्टर, ठीक है। तो जब भी आप लोग इरिस कैरेक्टर लेके खेलोगे तो आप लोग गाइस वॉल के अंदर तो बंदे मार ही सकते हो, नंबर 1 स्लॉट तो ये हो गया गाइस। और उसके बाद गाइस आप लोग को इसमें एक और कैरेक्टर स्किल यूज करना है जिसका नाम है हयाटो। देखो हयाटो के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब भी आप लोग बंदे को मारोगे ना गाइस तगड़ा डैमेज बंदे को लगेगा और भाई बंदा बहुत ही ज्यादा तेजी से मरेगा, ठीक है। तो हयाटो आप लोग को लेके खेलना है गाइस सबसे पहले 1 पे, तो ये हो गया। उसके बाद आप लोग को यूज करना है गाइस एक और कैरेक्टर स्किल जिसका नाम क्या है पता है, ये पहले देखो ये देखना है गाइस, देखो इरिस का फायदा, ये देखो बंदे ने गाइस वॉल डाला, देखो वॉल के अंदर ही बंदा, ये देखो भैया वॉल के अंदर ही बंदा मर गया। तो जब भी आप लोग गाइस ये लेके खेलोगे गाइस मतलब इरिस, तो आप लोग वॉल के अंदर ही बंदे को तो मार सकते हो इजी पीजी, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप लोग को एक और कैरेक्टर स्किल इस स्लॉट में यूज करना है जिसका नाम क्या है गाइस पता है आप लोग को, जिसका नाम है गाइस क्या है यार मैं भी भूल गया गाइस, इसका नाम वुल्फरा है। तो जब भी आप लोग वुल्फरा लेके खेलोगे तो आप लोग जितने ज्यादा बंदे मारोगे उतने ज्यादा आप लोग को बंदे एक्सपेक्ट करेंगे, और जितने ज्यादा बंदे एक्सपेक्ट करेंगे उतना आप गाइस बंदे को मारोगे तो हेडशॉट ज्यादा लगेगा, बंदे का हेडशॉट आपको कम लगेगा, और साथ ही साथ आपका मूवमेंट स्पीड एक्यूरेसी सभी चीजें इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को तो ये वाला कैरेक्टर स्किल बहुत ही ज्यादा यूजेबल और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद लगता है। और उसके बाद गाइस आप लोग को एक और कैरेक्टर स्किल मतलब इसमें यूज कर लेना है जिसका नाम है नायरी। तो जब आप लोग नायरी लगा के खेलोगे तो कोई भी बंदा वॉल नहीं तोड़ पाएगा, और इस वाले स्लॉट जब आप लोग लेके खेलोगे, मैंने आप लोग को स्किल बता दिया, और इसमें भी गाइस आप लोग को पैट में यूज करना है फ्लैश पैट। तो ये वाला स्किल जब भी आप लोग लेके खेलोगे तो भाई आप लोग का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, और कोई भी बंदे को गाइस आपको मारने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, मतलब वो बंदा आप लोग को मार नहीं पाएगा, इजी पीजी आप लोग को बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेम प्ले हो जाएगा। तो कमेंट करके जरूर से बताना गाइस आप लोगों को ये वाला तीनों स्लॉट कैसे लगा, मेरे को तो लिटरली ये वाला तीनों स्लॉट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और मैं हमेशा इन्हीं तीनों स्लॉट में खेलता हूँ। और आई प्रॉमिस गाइस जब आप लोग इन तीनों स्लॉट में से किसी एक स्लॉट पे सेट कर लो और तीनों में से कोई एक स्लॉट लेके खेलो गाइस आप लोग का इजी पीजी बहुत ही ज्यादा रैंक पुश होगा और बहुत ही ज्यादा किल होगा गाइस, ठीक है। मैं तो हमेशा सबसे लास्ट वाला ये वाला स्लॉट लेके खेलता हूँ। चलो 8 किल हो गया, एक आध बंदे और टपका देते गाइस, तो मेरा तो ये वाला फेवरेट शॉट है, ठीक है। बाद बाकी कमेंट करके जरूर से बता देना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाद बाकी मिलते हैं गाइस अपन लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।